राम राम। सर मैं प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोसेस रिएक्शन में। सो गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं चटनी न्यू सामलपुरी सॉन्ग पे, और इसमें जोगेश जोजो और इस गाने को गाया है आशीष ने। तो सबसे पहले हम ये सॉन्ग सुन लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाने में स्टोरी होती ही है, कोई ना कोई स्टोरी जरूर होगी। ऐसा गांव का रियल लाइफ भी शो करते हैं। ये बनाना बहुत मुश्किल है।
आयले धन लो तो ठाने जे मनो घर के आयले धन लो तो ठाने जे मनो घर के आयले धन लो तो ठाने जे मनो हापी रती एंता थाउ कटी जीवा दिनो इसी खायले केंता मजा पोखाल सांगे छुरी भजा मिसी खायले केंता मजा पोखाल सांगे छुरी भजा तार सांगे आम चटनी कैसे बनी सो गाइज ये था सॉन्ग चटनी और मतलब ये गाना देख के मजा तो बहुत है लेकिन मुंह में पानी भी बहुत ज्यादा है कि जिस तरीके से चटनी बनाने की रेसिपी भी वो बता रहे थे कैसे चटनी बनती है कैसे नहीं बनती है। तो गाना बहुत ही एंटरटेनिंग था, म्यूजिक काफी सही था, डांस मतलब बहुत ही कम था लेकिन जितना भी था वो जैसे सामग्री गाने में होता है सिंपल सी जगह दिखाई गई जैसे गांव का जो बैकग्राउंड उसी तरह के सिंपल कॉस्ट्यूम्स वही उसी तरह की कोरियोग्राफी स्टोरी एक स्टोरी लाइन जो चलती है वो इन गानों में सबसे मेन रहता है। किसी में स्टोरी लाइन थोड़ी सीरियस होती है किसी में रोमांटिक होती है और इसमें थोड़ा रेसिपी वाली पूरी वो स्टोरी लाइन थी। सो गाइस हमें तो ये गाना बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये वाला गाना सजेस्ट किया। और अभी करते हैं इस वीडियो का एंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल पर भी बनाए रखना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।